हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे भाई। तो आपका भाई तो फिर से एक बार नया व्लॉग लेके आ चुका है। तो ये आज आपका भाई जा रहा है एक यूनिक सी जगह है, हनुमानगढ़ बोलते हैं। उसका 2 घंटे का ट्रैक है और बाइक में लगेंगे हमको 1 घंटा। तो मतलब टोटल 3 घंटे का होगा आपका पूरा जो सफ़र रहेगा। 2 घंटे पैदल चलना पड़ेगा, 1 घंटे बाइक में जाएंगे। तो ये हमारी बाइक खड़ी है, इस बाइक में जाएंगे। तो आप लोग बनी रहिए ब्लॉग के साथ, बहुत कुछ होने वाला, बहुत मज़ा आने वाला। तो भाई ऐसे ही आप देखते रहिए ब्लॉग को, तो आप बने रहिए ब्लॉग के साथ भाइयों। दिखाता रहूँगा मैं आपको अपडेट। दोस्तों ये बाइक है हमारी, इस बाइक में जाएंगे। और ये सामने पहाड़ दिख रहा है, उस सामने इसके पिछली साइड जाएंगे। तो मतलब काफ़ी मज़ा आने वाला है, अल्टीमेट मज़ा आएगा। देखते रहिए क्या क्या होता है आगे, काफ़ी चीज़ें होने वाली है। काफ़ी ब्यूटीफुल व्यू मिलेगा आगे, बहुत ही अच्छी अच्छी जगह है। मतलब अल्टीमेट दिल ही खुश हो जाएगा आप लोगों का। तो यार ये क्या हो गया, सड़क के बीच में ये गिर गया यार भाई। तो यहाँ से हमने बाइक निकाली अभी और ये गिर चुका है पूरा। बरसात लगी है तो आपको भाई लाइन स्लाइड होता रहता है। ये बाइक निकाल लिया हमने, बाइक वगैरह रेडी है हमारी। और साथ में अभी एक और साथी आ रहा है मेरा, जीजा जी है हमारे, वो आ रहे, वो मेरे साथ जा रहे हैं। और ये हमारा सड़क देखो हमारी, ये छोटा सा नाला है बीच में, बाकी ये सड़क है। बाकी कुछ बाइकें उधर पार्क हुई है। तो बने रहिए ब्लॉग के साथ और व्यू का मज़ा लीजिए फुल पावर भाई। लोगों हम पहुंच चुके भीड़, ये जाता बिलिंग के लिए रास्ता, इसी रास्ते से जाएंगे हम। बिलिंग से राजगुंडा के बीच में पड़ता है हनुमानगढ़, उस मतलब राजगुंडा से पीछे चेन्नई, चेन्नई में रुकेंगे, चेन्नई से पैदल ट्रैक स्टार्ट करेंगे। तो भाई वो देख सकते हो फुल पावर। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं बिलिंग में, ये हमारी बिलिंग का टेक ऑफ है, ये ऊपर बोर्ड लगा है। बाकी दोस्तों व्यू दिखाता हूँ भाई आपको टेक ऑफ से भाई, अल्टीमेट। अभी तो फॉग पड़ी, नीचे कुछ दिखेगा नहीं, पूरे क्लाउड ही क्लाउड आ चुके। टेक ऑफ के आजकल बुरे हाल हो गए, बरसात चली है ना भाई। ये बिलिंग है, ये वॉशरूम है यहाँ बिलिंग में। और ये क्या बोलते हैं आपका फेमस कैफ़े यहाँ का, बहुत अच्छा कैफ़े है, आप आ सकते हो दोस्तों यहाँ। और बाकी नीचे देखो भाई अल्टीमेट सिस्टम है भाई, बिलिंग ऊपर है, भीड़ नीचे है। तो ये है, मतलब बिलिंग से फ्लाइंग होता है, भीड़ में लैंड करते हैं दोस्तों। तो ये देखो पहुँच चुका हम बिलिंग में भाई। ओ पहले ये बताया मैंने आपको, तो भाई व्यू चेक करो यार क्या व्यू है। तो ये टेक ऑफ है, यहाँ से भागना पड़ता फिर उठते है, पूरा अल्टीमेट है यार, क्या ही बताऊँ। तो भाई लोगों देख सकते हो हम पता कहाँ जाना है, ये जो बीच वाला पहाड़ दिख रहा है, ये चोटी जैसी जहाँ फोग गिरी है उधर जाएंगे हम, ठीक है। तो हमको इधर घूम के जाना पड़ेगा फिर पहुँचेंगे हम उधर। वो सामने देख रहे हो कितनी हाइट पे है भाई, क्या मज़ा आएगा, अल्टीमेट व्यू यार भाई, पूरे मतलब फोग देखो यार, चेक करो अल्टीमेट व्यू है। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं चेन्ना पास में भाई हो, यहाँ हमने बाइक पार्क कर दी है, ये पार्किंग एरिया है भाई हो, यहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा। और देख लो मंदिर, माता सत्यवाजनी मंदिर, हनुमानगढ़, सभी धर्म स्थानों के साफ सुथरा रखें और शोक धन्यवाद मातम। भाई ये कुछ डिटेल है, बाकी ये व्यू है भाई अल्टीमेट। और हम अपना ट्रैक शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों हमने बात की यहाँ भाई से, 5 मिनट का ट्रैक है, मतलब 1.5 घंटा 2 घंटे लग ही जाएंगे, क्योंकि चढ़ाई है, सीधा सीधा स्टीप, थोड़ा तो स्टीप जाएगा रास्ता, सीधा नहीं है, थोड़ा टाइम लग जाएगा। बाकी भाई हो व्यू चेक करो ये पीछे का, यहाँ हमने बाइक पार्क किया, हम निकल चुके हैं ट्रैक के लिए। तो फुल पावर बनी रही है, 2 मंदिर है यहाँ, एक माता सतबाजा जी का और एक हनुमानगढ़ है। तो मतलब काफ़ी मज़ा आने वाला अल्टीमेट, ब्लॉग के साथ बनी रही है। बाय बाय, दिखाता रहता हूँ मैं आपको व्यू पॉइंट। एक तो फोग गिरी आज, इतना व्यू नहीं दिख पाएगा, फिर भी जो भी दिखेगा बिल्कुल दिखाऊँगा आपको। देखो दोस्तों इसे हम बोलते हैं बकरी, आप लोग क्या बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में ज़रूर बताइए। छोटी जैसी छेली है, बकरी नहीं है। बाकी व्यू चेक कीजिए अल्टीमेट। दोस्तों देख सकते हो लोगों ने यहाँ आलू लगाया है, ये आलू भी जितने ऊपर पहाड़ में। और ये शायद गोभी, गोभी लगाई गई है। देखो कैसे रहते पहाड़ में, टपरी बना के पूरा तरपाल से। बाकी गोभी की फसल है, ये आलू लगाए हुए हैं। और ये व्यू चेक कीजिए अल्टीमेट व्यू फुल पावर। देखो गोभी, गोभी लगाइए भाइयों,
देख ही सकते हो आप, वो जो सामने पहाड़ दिख रहा है, इस पहाड़ में, पहाड़ के जो सामने दिख रहा है ये पेड़ जो दिख रहे हैं, इसके नीचे माता सत्यवादिनी जी का मंदिर है, और हनुमानगढ़ काफ़ी दूर है। और ये गोभी देखिए, ये रास्ता का भाई, वो साथ में जा रहे जीजा जी हमारे। कैसा रहा जीजा जी? बहुत बढ़िया। काफ़ी ऊपर जाना भी तो भाई, थक जाएंगे पर मज़ा भी उतना आएगा यार, अल्टीमेट फील रहेगा भाई, मतलब क्या ही बताऊँ, अलग ही एनर्जी आती है। तो बाकी बाकी आप बने रहिए, दिखाएंगे आपको क्या क्या होता है। पूरी पूरे इस पहाड़ में गोभी गोभी लगाई है नीचे तक, फुल पावर। वो देखो यहाँ पानी का स्टोर किया जाता है, अल्टीमेट। ये ड्रम रखे हैं, वो ये दादू जी मिले एक रास्ते में, स्टार्ट फुल पावर। जंगलों के बीच से होते हुए और फोग पड़ी है, रास्ता हमको उतना मालूम नहीं है, पहले तो गए पर भाई भूल गया, तो देखते हैं क्या होता है, कहाँ पहुँचते हैं, क्या क्या होता है भाई, जो भी होगा अच्छा होगा, हनुमान जी की कृपा से बढ़िया से हम पहुँच जाए। तो ठीक है भाई, बाय, मिलते हैं आगे। तो मिल गया चंबू भाई, देसी सब्जी भाई, बहुत ही खतरनाक भाई, इसको लेके जाऊंगा घर जब हम वापस आएंगे। बाकी चल रहा है भाई वो रास्ता, भगवान की कृपा से चले हम धीरे धीरे। तो देखो लोगों ने रास्ते में टेंट लगा के रखे, कैंपिंग कर रहे भाई लोग, जो भी अपनी पावर। दोस्तों सामने राजुंदा वैली, दोस्तों देख सकते हो ऊपर जो टॉप दिख रहा है, ये जो फ्लैग दिख रहा है, इधर जाना अभी हमको। तो देखो कितना दूर है भाई, यहाँ से पूरा चढ़ के बहुत दूर है भाई। भाई यार बिल्कुल थक गया एकदम से, बुरे हाल हो चुके हैं, अभी यहाँ रेस्ट कर रहे हैं। तो उधर नीचे से मैं देख ही रहा फोग इतनी बढ़िया, उधर लोगों ने देखो यार जानवर बेचारे कैसे छोड़ के रखे हैं बेचारे, ऐसा नहीं करना चाहिए भाई लोग यार। अभी हम और ऊपर जाना है। देखो भाई लोगों, रेस्ट करेंगे थोड़ा फिर चलेंगे, फिर सीधा आपको मंदिर में मिलेंगे, फुल पावर बताएंगे, व्यू वगैरह, फोग घटी। तो कब तक, बाय बाय। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं, और सूचना पर लीजिए ध्यान से, चुके ये भाई देसी गेट बनाया है फुल पावर। ये ऊपर है हनुमान जी की मूर्ति, यहाँ से दिखेगी नहीं, थोड़ा झंडा जैसा दिख रहा है। तो फाइनली भाई पहुँच चुके, वो सारे चारों तरफ फोग ही फोग है भाई, हो यार क्या ही दिखाऊँ, व्यू कुछ दिखेगा नहीं। बाकी जय बजरंग बली, हनुमान जी के दर्शन करवाते हैं आप सबको, तो बने रहिए फुल पावर भाई। लोग बस पहुँचने ही वाले हैं, आपकी सब्र का, इतनी देर सब्र किया है उसका फल मिलने वाला है, इतने दूर से ट्रैक करके आया। जय बजरंग बली, पहुँच चुके दोस्तों यहाँ फुल पावर अल्टीमेट। दोस्तों देसी गाड़ पानी इकट्ठा करने के लिए पत्थर के बीच में, और बाकी ऊपर मंदिर है, पूरा व्यू भाई लोगों, फोग इतनी गिरी है कुछ भी व्यू दिख नहीं रहा है, नहीं तो भाई यहाँ से इतना पूरा 360 व्यू दिखाई देता है। सबसे टॉप में है ये हनुमानगढ़, और बाकी पहाड़ी इससे नीचे है, मतलब यहाँ का सबसे ऊंचा पहाड़ी यही है। तो अभी आपको दर्शन करवाते हैं, जय बजरंग बली, फुल पावर, सब पे कृपा बनाए रखना हनुमान जी। फाइनली जय जय बजरंग बली, सब लोग दर्शन कर लीजिए, जय। ये पूरा घंटी वगैरह है फुल पावर, और कुछ लोग आ रहे भाई लोग नीचे से दर्शन करने के लिए, जय हो भाई लोगों। देखो ब्यूटी,
भाई पता नहीं क्या क्या बनाया बंदों ने, फुल पावर। जय श्री राम। भाई लोगों क्या ही बताऊं यार, मंदिर आके जो फीलिंग आई ना अल्टीमेट यार, एक शांति मिल गई मन को। बाकी अब बाकी व्यू तो दिखना फोक ही फोक पड़ी है, बाकी मतलब एकदम मस्त यार भाई, मतलब सुकून सा मिल गया, शांति सा। पहले इतना ट्रैक किया, उसके बाद जो फीलिंग आया अल्टीमेट भाई यार। आप लोग जरूर आइए भाई, फुल पावर एकदम, मतलब भाई यार क्या ही बताऊँ, जब व्यू दिखेगा ना तब तो आप लोग पागल हो जाओगे, बोलो क्या यार अल्टीमेट चीज़ है। दोस्त हम जा रहे हैं माता अस्तवानी जी के मंदिर में, अब तो अब हम लोगों को सभी को दर्शन करवाते हैं। अब बने रहिए वीडियो में फुल पावर। दोस्तों पहुंच चुके हम मंदिर में। जय माता सतवारिणी, सब पे कृपा बनाए रखना। भाई लोगों ये मंदिर है, जय माता सतवारिणी, जय माता रानी, माता परमेश्वरी सतवारिणी वाली माता रानी, जय हो माता रानी। सब भाई लोगों दर्शन कर लो। दोस्तों ये देख सकते हो, ये माता सतवारिणी जी का पेड़ है, ये 7 पेड़ है पूरे, 1 2 3 4 5 ये 6 और ये 7। दोस्तों 7 पेड़ है पूरे, क्या ही बताओ यार, ये भगवान की महिमा है। जय माता रानी, सब पे कृपा बनाए रखना। जय हो भाई लोगों। तो आ चुके हम वापस पूरा ट्रैक खत्म करके, दोनों मंदिर जाए ट्रैक करके आए। अब हम जाएंगे राजगुंदा वैली, तो पहले भी दिखाया मैंने राजगुंदा वाला आपको रास्ता, अब फिर से दिखाएंगे। बस फिर राजगुंदे के बाद वापस भीड़, उसके बाद घर। अब बने रही लोग के साथ, बस यही था, लोग में ज़्यादा कुछ था नहीं। तो अभी हम चंबू और लिंगर लेने जाएंगे, वो दिखाऊंगा आपको मैं, जंगली सब्जी हमारे यहाँ के लोग पर। भाई लोगों तो हम आ चुके हैं, उतर चुके हैं जंगली सब्जी बीनने के लिए, बीनने के लिए अंदर तोड़ने के लिए। भाई ये आपकी लिंगर, ये लगा सामने चंबू। भाई लोग बहुत ही टेस्टी इनकी सब्जी होती है, मतलब क्या ही बताऊँ, यहाँ पे सिड्डू बनते हैं इस चंबू के तो अल्टीमेट। ये पूरा ये हम पूरे हाल से तोड़ेंगे सब कुछ, फुल पावर।